हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मैं हूं मुनीश मेहता। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। इस वीडियो में जो मैं एनिमेशन आपको सिखाने जा रहा हूं, एक बार वो एनिमेशन आप देखिए। ओ मक्के लाल चाचा, मुझे 2 किलो घी दे देना। इसमें मैं आपको पूरा ये एक बॉयज का कैरेक्टर एनिमेशन सिखाऊंगा, किस तरह मैंने इसका हाथ का ड्राइंग को चेंज किया है। ऑलरेडी मैंने कैरेक्टर एनिमेशन पे बहुत ज्यादा वीडियो ला चुका है। अगर आप नए हो तो आपके लिए वीडियो काफी फायदेमंद होगा। अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आपको पता है कैरेक्टर एनिमेशन पे ऑलरेडी बहुत ज्यादा वीडियो ला चुका हूं। तो यहाँ पे मैंने किस तरह हाथ का ड्राइंग चेंज किया ये मैं आपको सिखाऊंगा। और गाइज, यहाँ पे मैं एक चीज को ऐड करूंगा आपके साथ। ये जो कैरेक्टर मैं आपके साथ दूंगा, आपको आपके साथ शेयर करूंगा, तो ये अपना क्लाइंट के साथ या फिर किसी भी यूट्यूब चैनल पे आप इसको अपलोड मत करना, वरना कॉपीराइट आ सकता है। आपके लिए मैं खाली इसको प्रैक्टिस के लिए आपके साथ शेयर करूंगा ताकि आप प्रैक्टिस कर सको। यूट्यूब में ऐसा कोई भी चैनल नहीं है जो आपके साथ ग्राफिक भी शेयर करता ताकि आप प्रैक्टिस कर सको घर बैठकर। तो यही मैं बोलूंगा कि इंटरनेट बहुत फास्ट है, तो अगर आप कुछ चीटिंग करके डाल भी दोगे तो पता लग जाएगा, कॉपीराइट आ जाएगा। और अपने क्लाइंट के साथ तो कतई शेयर मत करना, वरना वो क्लाइंट आपके साथ मतलब आपके ऊपर केस भी कर सकता है। ठीक है, तो मत करना ये शेयर, खाली प्रैक्टिस ही करना। तो गाइज, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलना, ताकि मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप गाइज हमें इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है munish.mehta.528। यहाँ पे जाके मुझे फॉलो कीजिए। आप मुझसे यहाँ भी बात कर सकते हैं, पर बेहतर रहेगा आप मुझसे कमेंट में बात करें, कमेंट में जल्दी रिप्लाई करता हूँ। गाइज, अगर आप हमसे कोई भी करेक्टर और बैकग्राउंड को बाय करना चाहते हैं तो लर्न एनिमेशन हिंदी का जो वेबसाइट है www.jivaedu.com है, ये हमारा ओरिजिनल वेबसाइट है। यहाँ पे हमारे जो ऑनलाइन जो कोर्स होते हैं वो भी पड़ा है, और जो हमारा डेटा होता है वो भी यहाँ पे पड़ा है। बाकी जो और भी कोर्स आएंगे इसी वेबसाइट में आएगा। अगर आपको हमारी लाइव क्लास को ज्वाइन करना है तो आप यहाँ पे देख रहे हैं 15 मई वेनसडे को हमारा नया क्लास स्टार्ट होने वाला है। लाइव क्लास में होता क्या है, जबकि आपको पता है लर्न एनिमेशन में एवरीडे वीडियो आता है, हमारा जो रिकॉर्डिंग वीडियो रहता है एवरीडे आता है। लाइव क्लास में गाइज पहले हम लाइव आके आपको पूरा लेक्चर देते हैं, उसके बाद आपको रिकॉर्डिंग वीडियो मिलता है, डेटा मिलता है। ऑलरेडी मैंने इस पर वीडियो बनाया है। सबसे अच्छी बात है कि आप डाउट पूछ सकते हैं एनी डेस्क में आके, आपका टीचर आपका कंप्यूटर चला सकता है कहीं पे बैठ के और आपके डाउट को क्लियर करते हैं। लाइफ टाइम आप अपना डाउट पूछ सकते हैं लर्न एनिमेशन स्टूडेंट बनने के बाद। यहाँ पे गाइस 3 मंथ पे 15 लेक्चर होते हैं, 15 लेक्चर एक के बाद एक नहीं होते हैं। मैं चाहूँ तो आपको 15 लेक्चर के बदले आपको 100 लेक्चर भी दे सकता हूँ, 30 लेक्चर भी दे सकता हूँ। लेक्चर लगाने से एनिमेटर नहीं बनते हैं, आपको समझना पड़ेगा कि एनिमेशन कैसे होता है, तरीका क्या होता है, कैसे स्टेजिंग होता है, कैसे करेक्टर एनिमेशन होता है, वो तरीका समझने की जरूरत है। बाकी आप लाइफ टाइम अपने टीचर से जुड़े रहते हैं। यहाँ पे सबसे अच्छी बात है कि आप एक ग्रुप में जुड़ते हैं, वहाँ पे और भी स्टूडेंट रहते हैं जिन्होंने आपकी तरह 8,000 पे करके पेड वाले क्लास में जुड़े रहते हैं। तो जब गाइज आप पूरा लेक्चर लगाते हो, आपको जो डेटा मिलता है, रिकॉर्डिंग क्लास भी मिलता है, फिर आप जब काम करोगे, कोई डाउट आता है तब आप अपने टीचर से जब पूछते हो तो उसमें सबसे ज़्यादा हेल्प मिलती है। बाकी आप अपना काम जब अपने ग्रुप में भेजोगे तो वहाँ पे और भी स्टूडेंट का काम आप देख सकते हैं। यहाँ पे हमारा 15 लेक्चर 3 महीने में कवर हो जाता है। 3 मंथ के बाद भी आप रेगुलर अपने डाउट को पूछ सकते हैं, क्योंकि आपको लगभग 1 से 2 साल अपने टीचर के साथ रहना पड़ता है। यहाँ पे आपको करेक्टर एनिमेशन ट्रेसिंग, रिगिंग, कंपाइलिंग यानी कि स्टेजिंग, बैकग्राउंड म्यूजिक पूरा सिखाया जाता है, कंप्लीट कार्टून स्टोरी कैसे बनाते हैं। पर हमेशा याद रखना, धीरे धीरे आप एक क्वालिटी वाला अच्छा काम कर पाओगे, इसके लिए आप लाइफ टाइम आपको अपने टीचर से जो भी प्रॉब्लम्स आता है वो शेयर करना पड़ेगा। 3 मंथ आप वही करोगे जो आपका टीचर आपको बोलेगा। तो इस नंबर पे आप कॉल कीजिए अगर आपको ये क्लास को ज्वाइन करना है। ये 8,000 रहता है, वन टाइम फीस जमा रहती है, और जैसे आप इस क्लास को ज्वाइन करते हैं उसके बाद आप लगातार अपने टीचर से अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। अगर आप बिगिनर हो तो सबसे पहले आप 3 मंथ वही कीजिए जो आपका टीचर आपको बोलेंगे, और उसके बाद आप अपना स्टोरी पे काम करोगे, वहां पे भी आपका टीचर आपका हेल्प करता है। तो चले गए, चलते अपने टॉपिक की तरफ। किस तरह मैंने ये बच्चे का करेक्टर की एडमिशन किया है, तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे करेक्टर लिया हूँ, तो ऑलरेडी ये करेक्टर लिया हूँ। यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले ये ग्राफिक डिजाइनर से क्रिएट करना है। यहाँ पे मैं आपके साथ ये शेयर करूंगा, तो आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। जहाँ जहाँ पे मैं की लगा सकता हूँ वहाँ पर प्रैक्टिस कर सकता हूँ। हमेशा कहता हूँ कि आपको एक्टिंग के ऑडियो के अकॉर्डिंग एक्टिंग करना होता है। तो इसके अंदर चला जाता हूँ मैं, सारा डिवाइड हुआ है, और ऑलरेडी मेरे एक सब्सक्राइबर से बार बार कमेंट करते रहते हैं कि मेरा वहाँ पे ट्विन में कुछ गड़बड़ हो रहा है, ये गड़बड़ हो रहा है। मतलब होता है, सबके साथ होता है, जो काम करता है उसी के साथ होता है। यहाँ पे मैं एक ही चीज़ कहूँगा, ये सिंबल में होना चाहिए, ये सिंबल में होना चाहिए। अगर आपके पास मान के चलो ये 2 सिंबल है और मैंने यहाँ पे ट्विन लगाना चालू किया, यहाँ पे जाके ट्विन लगाना चालू किया, तो इस टाइप का ओपन होता है। इसका मतलब है एक एक लेयर्स में 2 सिंबल है, इस सिंबल को आपको हटाना होगा।
ये दो सिंबल को हटाना होगा, वरना इसको एक बनाना होगा, इसको हटाना होगा, दो सिंबल को हटाना होगा। अदरवाइज गाइज ये तब भी आता है, जैसे मान के चलो मैंने ब्रश कभी, ये देखो छोटी एक दिक्कत बता रहा हूँ आपको, खाली बाद में काम करता हूँ। ये मान के चलो मेरा ब्रश ओपन हो गया और मैंने गलती से कहीं ये लगा दिया, यहाँ पे ये देख रहे हो ये गलती से आ चुका है, और इसके बाद मुझे नजर भी नहीं आ रहा और मैंने यहाँ पे जाके एब्सिस कर दिया और मैंने यहाँ पे ट्विन लगाना चालू कर दिया, तो इस तरह का आपको नोट यहाँ पे बिल्कुल पता लग जाएगा कि ये क्या बता रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो आप ऐसा करना चाहते, इसको कन्वर्ट करना चाहते ट्विन में, नहीं करना चाहते तो हम नो करेंगे, हम नहीं करना, हमें पता लग जाएगा कि कहीं ना कहीं हमारा यहाँ पे गड़बड़ है कुछ, क्योंकि एक सिंबल ही नहीं है, ये एक लेयर पे दो दो चीजें। तो इस केस में हमें क्या करना है, यहां पे चेक करना है, इसको मैं डिलीट करूंगा। अब देखो डिलीट करने के बाद जब मैं यहां पे एब्सिस करता हूं और ट्विन लगाता हूं तो ट्विन लग जाता है इजिली, बिकॉज यहां पे कोई भी चीज ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जो हमें बीच में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। और उम्मीद है मुझे मतलब जिनको भी ये प्रॉब्लम आ रही है वो समझ चुके होंगे क्यों आ रहा है, ठीक है। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। ये पहले मैंने डिवाइड किया हूं, पूरी तरह डिवाइड किया हूं। ये डिवाइड करने का प्रोसेस क्या होता है ये रिक पे सिखाया हूं ऑलरेडी कि रिक कैसे होता है, ठीक है। यहां पे देखोगे सारी चीजें डिवाइड किया हूं, यहां पे देखोगे ये हाथ को मैंने गोला लगा के किस तरह डिवाइड किया हूं, यहां पे सब रिग का पार्ट है, तो ये सारा रिग वाला पार्ट है। तो रिग वाला वीडियो देखे सबसे पहले, अगर आप नए हो तो सबसे पहले रिग वाला वीडियो देखे, और गाइस यही कहूंगा वीडियो को डाउनलोड मत करना प्लीज, पूरा वीडियो देखना ताकि वॉचिंग टाइम अच्छा है, मुझे मोटिवेशन मिले अगले वीडियो को बनाने के लिए। तो यहाँ पे जैसे आई ब्लिंकिंग मैं ऑलरेडी यहाँ पे कर चुका हूं, अगर आपने आई ब्लिंकिंग वाला वीडियो नहीं देखा तो जाके मेरा आई ब्लिंकिंग वाला वीडियो देखे, लिपसिंग वाला नहीं देखा तो लिपसिंग वाला वीडियो देखे किस तरह कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो चलिए गाइस अब आपको ये पता लग गया किस तरह डिवाइड हुआ, कि ये सब रिग का पार्ट है, मैंने डिवाइड कर दिया सबको, और इसके हाथ में मैंने ये घी का डब्बा पकड़वाया, ये प्रॉपर अपने तरीके से पकड़वा दिया इसके हाथ में घी का डब्बा। तो अब ये क्या करते हैं, ऑडियो लाता हूं मैं यहाँ पे, ऑडियो के लिए आप क्या कर सकते हो, मतलब वॉइस ओवर के लिए क्या कर सकते हैं, बाहर से सीधा ड्रैग भी कर सकते हो, या फिर यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे आता इम्पोर्ट के लिए, यहाँ पे इम्पोर्ट टू लाइब्रेरी करोगे तो इम्पोर्ट टू लाइब्रेरी करोगे तो सीधा लाइब्रेरी में आएगा। तो लाइब्रेरी मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ओपन नहीं किया, तो यहाँ पे जाओगे विंडो में, अगर कभी प्रॉब्लम रहता तो कंट्रोल एंड एल से भी कर सकते हो, सीधा विंडो वाला ऑप्शन करना तो यहाँ पे लाइब्रेरी आ जाता है। मैं इस तरह सेट कर देता हूँ इसको और इसको यहाँ से बंद कर दो, तो यहाँ पे लाइब्रेरी में ऑलरेडी, यहाँ पे देखो लाइब्रेरी में ऑडियो है, इसी ऑडियो को यूं इस तरह उठा के यहाँ पे रख सकते हो। तो गाइज मुझे क्या करना है, यहाँ पे सुनना, यहाँ पे मक्खीलाल चाचा यहाँ से बोल रहा हूँ, मक्खीलाल चाचा यहाँ पे पहले है क्योंकि पहले से लाइब्रेरी में पड़ी थी, तो मैं सीधा इसको उठा के यहाँ पे रखूंगा सीधा। तो इस तरह देखो ये यहाँ पे मैंने लेयर नहीं लिया था, तो सीधा इस वाले लेयर पे आ गया, हेड वाले लेयर पे, तो मैं एक नया लेयर लेता हूँ और सीधा इसको ड्रैग करता हूँ यहाँ पे छोड़ देता हूँ, ठीक है। हेड वाला मैंने यहाँ पे ऑन कर दिया, तो अपने यहाँ पे ऑडियो आ चुका है, ये अपना प्रॉपर्टीज है, इसको ऑन करके रखना है, तो यहाँ पे पता लगेगा आपको जो कुछ भी आप काम कर रहे हो। यहाँ से बोल रहा है मक्खीलाल चाचा, ऑडियो में बंद करता हूँ, कॉपीराइट आने का इशू रहता है, हर बार कहता हूँ कि अगर कॉपीराइट आ भी गया तो मैं वीडियो को हटा दूंगा, बस आपके प्रैक्टिस के लिए मैं यहाँ पे अपलोड करूंगा। मेरा कोई ऐसा मकसद नहीं है कि मतलब ये वीडियो अगर कॉपीराइट आएगा तो बहुत बड़ा बवाल बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने अपने क्लाइंट के लिए यूज किया, वो भी मुझे कॉपीराइट दे सकता है, लेकिन गाइज इतना नहीं दे सकता क्योंकि ये मेरे द्वारा बनाए हुए सारी चीजें हैं, ठीक है। तो चलिए गाइज शुरू करते हैं। अभी मैं क्या करूंगा, पीछे वाले कैरेक्टर को फॉलो करूंगा, किस तरह ये बात कर रहा है, इस तरह ये पहले हाथ को ऊपर उठा रहा है, तो सबसे पहले मैं ऊपर को हाथ उठाऊंगा, फिर ये उसके बाद नीचे को थोड़ा करता है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले अपने वाले एक चीज पे आऊंगा, मैंने एक्टिंग पहले से करके रखा, ओ मक्कीलाल चाचा मुझे दो किलो घी देना, तो मैंने एक्टिंग खुद किया है, खुद करने के बाद मुझे अब अप्लाई करना है, तो आप एक्टिंग खुद कर सकते हैं अगर आप प्रैक्टिस करें तो। ये करेक्टर तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, तो मेरी तरह प्रैक्टिस करते रहना। तो मैं क्या करूंगा, ओ मक्कीलाल चाचा यहां से मैं एफसिक्स करना चालू करूंगा, यहाँ से मैं एफसिक्स करूंगा, और इतने में मैंने एफसिक्स कर दिया। एफसिक्स करने के बाद दो की लगा दिया और राइट क्लिक करके क्लासिक ट्विन दे दिया। क्लासिक ट्विन देने के बाद इज आउट कर दिया। इज आउट करने के बाद यहाँ पे आया, और इज आउट क्यों करते हैं, पुराने वीडियो देखिए आपको समझ आ जाएगा, इज आउट इसलिए करते हैं कोई भी चीज फास्ट होने के बाद स्लो होती है तो उसको इज आउट बोलते हैं, ठीक है। तो इसके बाद मैंने इसको थोड़ा सा ऊपर की ओर करना है, यहाँ पे देखोगे जो भी चीज अगर टूटी फूटी होगी तो पहले सेट कर देना। तो मैंने क्या करना, यहाँ पे आना, सॉरी मैंने जूम इन करना, और यहाँ पे मैंने पॉइंट को नीचे रखना, और थोड़ा सा मैंने इसको ऊपर की ओर किया, मामूली से ऊपर की ओर किया, अब हेड पे काम आता, हेड पे काम करना है, सॉरी यहाँ पे ऊपर थोड़ा सा हेड को ऊपर कर दिया, और बाजू को मुझे अब ऊपर की ओर उठाना है, तो ये ऐसा करेगा, ठीक है। और ये बाजू को ये पूरा आप मूव कर सकते हो, तो मैंने इसमें डब्बा भी रखा, तो डब्बे को भी सिलेक्ट किया हूं, तो साथ में मैं यहाँ पे आया हूं, और डब्बे को यहाँ पे इस तरह मैंने थोड़ा सा डब्बे को भी सिलेक्ट किया हूँ, और पॉइंट को यहाँ पे रखा हूँ, थोड़ा सा मैंने इसको पीछे को रोटेट किया, अभी क्या हुआ ये इस तरह कर रहा है। अब क्या करना है, इसकी ये हाथ ऊपर को उठा रहा है, पीछे देखूंगा मैं अपने वाला करेक्टर, तो यहाँ पे ये हाथ को ऊपर उठा रहा है, तो मुझे भी हाथ को ऊपर उठाना है। गाइस जब भी आप रिग करते हो तो सबसे पहले आपको अंदर जाकर ड्रॉइंग बना के रखना है, ड्रॉइंग कितना है देखो, पूरा का पूरा अच्छे से रिग हुआ, पहले पूरा का पूरा एक सिंबल है, इसके बाद अंदर जाओगे तो दो सिंबल है, ये सिंबल है, दो सिंबल है, और एक नीचे गोले वाला लेयर होगा, ये वाला गोले वाला लेयर कंट्रोल जेड के वापस आ गया, तो इसके अंदर जाऊंगा, और इसके अंदर भी दो सिंबल है, तो ये इस हाथ के अंदर जाऊंगा, ये देखो ये प्रॉपर यहाँ पे है, और इसके बाद यहाँ पे देखोगे ड्राइंग बना है प्रॉपर, ये सारा ड्राइंग बना है, यहाँ पे देखोगे सारा ये ड्राइंग बना है, फ्रेम बाय फ्रेम ड्राइंग बना है,
तो आप इसको बाद में बना सकते हो, साथ में भी बना सकते हो, जैसे जिसको आपको चाहिए। बाद में क्या करना, जब मुझे ये चाहिए हाथ तो मैं बाहर से कंट्रोल कर सकता हूँ। यहाँ पे देखो जिस तरह ये यहाँ पे लगा है हाथ, आप इसको यहाँ पे जाके पहले इसको यहाँ पे भी एक सिंबल बना सकते हो। मैंने पॉइंट को यहाँ पे रखा, यहाँ पे भी सिंबल बना सकते हो और अंदर जाके यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो। ये भी ऐसा भी रिक हो सकता है और इसके जो मैं पहले किया वो भी। ये इससे क्या होगा, अगर हमें कहीं ऐसा लगेगा कि यहाँ पे हमें थोड़ा सा मूव करना है तो हम मूव कर सकते हैं या बाहर भी मूव कर सकते हैं, वैसा भी हो सकता है। तो मैंने ऐसा कर दिया, पर आपको नॉर्मल वैसे ही वाला मिलेगा जैसे पहले रखा, तो आप वैसे ही कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, तो ये कर दिया। अब मुझे क्या करना है यहाँ पे, ये मैंने देखने के लिए अंदर गया था ताकि आपको दिखाना था मुझे कि किस तरह मैंने अंदर ड्रॉइंग बना के रखा हूँ। ठीक है, तो पीछे वाला की याद रखना, पीछे वाला की कितना, 5 पे है कि यहाँ पे आया और यहाँ पे आने के बाद इसके अंदर चला गया, डबल क्लिक किया, डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे अंदर आ गया और पीछे 5 पे क्लिक किया और सीधा क्लासिक ट्विन दे दिया और इज आउट कर दिया। इज आउट करना जरूरी है। ठीक है, इसके बाद मैंने इसको ऊपर कर दिया ऐसा, इतना जितना इसने हाथ उठाया, बाहर आया देखने के लिए कितना उठाया, इतना सा हाथ उठाया, और अगर मुझे लगेगा हाथ थोड़ा नीचे लगना तो इतना नीचे रखना। अब गाइस जैसे इसने हाथ को ऊपर उठा दिया तो देखोगे काफी अच्छा सही लग रहा है। तो अब मुझे क्या करना है, इसके अंदर चले जाना है और मुझे ये ड्राइंग को कहाँ बदलना है ये मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो हमें ड्राइंग हमेशा यहाँ पे 2 या 3 की फ्रेम के फ्रेम बदला, अगर इज आउट लगा है तो हम साथ में बदलेंगे ड्राइंग को, कौन सा ड्राइंग, आगे वाला ड्राइंग। तो इससे बाद मैं इसके अंदर चले जाता हूँ, यहाँ पे भी मैं की लगा के रखता हूँ ताकि मुझे अगर इसको मूव करना हो तो मैं मूव कर सकूँ। ठीक है, तो हम यहाँ पे भी इज आउट दे दिया और अब मैं इसके अंदर चाहता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं कितने पे, 7 पे मैंने सोच के रखा था कि 7 पे मुझे की बदलना है। तो यहाँ पे जाऊंगा, इसको ऑन करूंगा, ये सारी ड्राइंग वो ऑन हो रही है जो इसके अंदर ड्राइंग बनी है, सारी ड्राइंग वही यहाँ पे शो कर रही है। तो मुझे क्या करना है, कौन सा हाथ लगाना है, ये यहाँ पे एक एक सिलेक्ट करके रखूंगा कौन सा हाथ लगाना है। तो देखना मैंने कौन सा हाथ लगाना है, तो ये वाला हाथ लगाना है, ये वाला हाथ सही है, ये वाला हाथ सही है, कौन सा, तो ये वाला हाथ सही है। आप देखोगे पीछे वाला, पीछे वाले भी कौन सा हाथ लगा है, ये वाला हाथ लगा है, तो ये वाला हाथ लगाऊंगा। और यहाँ पे बस एक चीज देखना मैंने कि यहाँ पे इसको मैंने बंद कर दिया, तो यहाँ पे देखो ये जो आउटलाइन है ये मिल नहीं रहा है इसके साथ। तो मैंने यहाँ पे आउटलाइन का पहले कलर ले लेता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, आउटलाइन का यहाँ पे कलर ले लिया और इसके अंदर चला गया डबल क्लिक करके, और डबल क्लिक करके इसके अंदर चला गया, सबको मैंने ऐसा सेलेक्ट किया और आउटलाइन का कलर डाल दिया। और अब बाहर आता हूँ तो ये आउटलाइन का कलर पड़ चुका है इस पर। ठीक है, तो अभी देखो मैं बिल्कुल ही बाहर आता हूँ, तो ड्राइंग देखो कहाँ पे चेंज होती है, खाली इस हाथ को देखना यहाँ पे, बाकी चीज़ों पे ध्यान मत देना। तो देखो ड्राइंग कितना फास्ट चेंज हो रही है, आपको पता भी नहीं लगेगा ड्राइंग कितना फास्ट चेंज हो रही है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो ऐसा ही आपको या फेस के अंदर भी काम कर सकते हो। अब ये हाथ पे हो चुका है काम ऑलरेडी, आप फेस पे भी काम कर सकते हो। यहाँ पे आया मैंने, सारे में मैंने F6 किया, ऊपर से लेकर नीचे तक F6 किया और यहाँ पे आया, यहाँ पे भी F6 किया और राइट क्लिक किया, क्लासिक ट्विन दे दिया, क्लासिक ट्विन देने के बाद मैंने इज आउट दे दिया। इज आउट करने के बाद मैं आगे आया, आगे आने के बाद मैंने यहाँ पे आईज नोज लिप्स को पकड़ा और खाली मुझे ये वाले इन वाले पार्ट को पकड़ना है। और मामूली से मैं ऊपर कर सकता हूँ, नीचे भी कर सकता हूँ, थोड़ा सा ऊपर कर दिया और इस तरह मैं हेड को मतलब थोड़ा सा इस तरह ऊपर कर सकता अपने मुताबिक, और कान को मैं थोड़ा सा नीचे कर सकता हूँ, थोड़ा सा फील आता है इसमें। यहाँ पे देखोगे कान के यहाँ पे टूट फूट रहा है, ये सब टूट फूट रहा है, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको पूरा का पूरा यहाँ से इस तरह दे सकते हो ऐसा। ठीक है, इससे क्या होगा, ये पूरा कान जब नीचे आएगा तो यहाँ पे ये थोड़ा सा भी टूटेगा नहीं। तो इस तरह मैंने थोड़ा सा नीचे इस तरफ कर दिया ऐसा। ठीक है, अब मैं बाहर आया, बाहर आने के बाद मैंने देखा कितना हुआ ये, ओ मक्कीलाल चाचा, ओ मक्कीलाल चाचा मुझे 2 किलो घी देना, ओ मक्कीलाल चाचा तब ये बोलता मुझे 2 किलो घी देना। अब देखो मैं क्या करता हूँ, 2 किलो घी आगे बताता है, पहले मैं पीछे वाले को फॉलो करता हूँ क्योंकि मैं अपने अकॉर्डिंग नहीं करूंगा ये एडमिशन, मतलब अपने एक्टिंग के अकॉर्डिंग, ये मेरा जो पुराना एक्टिंग है उसी को फॉलो करना है। तो यहाँ पे देखोगे किस तरह ये ऊपर हाथ उठा रहा है और इसके बाद ये ऊपर हाथ उठाता है और इसके बाद ये थोड़ा सा यहाँ पे आने के बाद ओ मक्कीलाल चाचा। ठीक है, इसके बाद ये आगे क्यों थोड़ा सा होता है। ठीक है, तो नॉर्मल सा है, तो मैंने यहाँ से करना है ओ मक्कीलाल चाचा। यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ ना, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा और अच्छा एनिमेशन कर सकता हूँ। देखो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे वैसे मैंने पीछे किया नहीं है, आप कर सकते हो। तो जैसे मैंने यहाँ पे की लगा देना, ठीक है, यहाँ पे की लगा देना और यहाँ पे लंबा सा की लगा देना, इतना वैसे पीछे किया नहीं हो आप कर सकते हो, ये थोड़ा सा अलग करने की कोशिश कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने क्या करना, ना इस दिन लगाया ना इस आउट लगाया और यहाँ पे आया, थोड़ा सा मूव करते रहना आगे, थोड़ा सा मूव करते रहना, इससे कि अपना करेक्टर हिलता रहेगा। ये मैंने पहले कभी बताया नहीं हूँ, आप ऐसा कर सकते हो। तो मैंने मामूली सा आगे किया और इसको थोड़ा नीचे किया और ये हाथ को थोड़ा सा मामूली सा ऊपर किया। अब देखो अपना करेक्टर क्या करेगा, ओ मक्कीलाल चाचा ऐसा। देखो आप देख रहे हो छोटा सा फील आ रहा है। देखो आपको ना टेक्निक सीखना होता है, क्योंकि ज्ञान बांटने की वो नहीं कह रहा मैं आपको, ये करो वो करो, बस मैं आपको टेक्निक बता रहा हूँ, स्मार्ट तरीका बता रहा हूँ किस तरह करते हैं। बाकी गाइस आपको खुद करना है, सारी चीज आप खुद क्रिएट कर दो, मेरे से बेहतर बन सकते हैं, ऐसा एडमिशन बच्चा भी कर सकता है एक बार टेक्निक आ जाए तो। ये कर दिया, अब देखो थोड़ा सा फील आ रहा है ना वो बात करते करते, एक बार मैं इसको ऑन करूंगा, ये देखो मक्कीलाल चाचा, ये देखो ये आ रहा है ना, थोड़ा सा फील आ रहा है यहाँ से, देखो थोड़ा सा फील आ रहा है और हाथ में भी आ रहा है। तो ये थोड़ा कर सकते हो, इसके बाद
फेस के अंदर चला गया। मैं ऐसा मैंने पहले किया नहीं, यहाँ पे आप देखोगे पिछले वाले एनिमेशन में मैंने ऐसा किया नहीं हूँ, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। और यहाँ पे देखो फेस में मुझे कुछ लाना है तो फेस में भी जाता हूँ अंदर, और वो वाला जैसे मैं पहले हमेशा देता हूँ पुराने सब्सक्राइबर आप, तो आपको पता होगा गाइज। एक ही चीज बोलता हूँ, देख देख के आप मतलब एक स्टोरी क्रिएटर एक एनिमेटर नहीं बन पाओगे जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। प्रैक्टिस में जहाँ दिक्कत आती है आप मुझसे पूछ सकते हो। अगर आप मेरी क्लास ज्वाइन करना चाहते हो तो क्लास भी ज्वाइन कर सकते हो, क्लास ज्वाइन करने से आपका बहुत ज्यादा फायदा है। लेकिन वही बंदा मतलब क्लास को ज्वाइन करे जिनके पास पैसा है, ऐसा मतलब मम्मी पापा से पैसा मांग के मत करना, क्योंकि यही कहूंगा कि अगर ऐसा पैसा मांगना ही है तो आप फ्री में सीखिए, फ्री में भी आराम से सीख सकते हो। बस गाइज यही कहूंगा कि अगर पर्सनली क्लास लेना है तो आपको पे तो करना ही होगा। आपको पता है कोई भी बंदा दुनिया का कोई भी अमीर बंदा होगा वो भी आपसे चार्ज मांगेगा पर्सनली टाइम का, ठीक है, मतलब फीस मांगेगा। तो मैंने इसको आगे किया, उम्मीद है आप मेरी बात समझ रहे होंगे। पर यहाँ पे राइट क्लिक किया तो यहाँ पे राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे सिंक्रोनाइज करना, स्पेलर सेलेक्ट और फ्रेम करना। क्यों करना सिंक्रोनाइज आपको पता है, अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर है इसलिए करना क्योंकि हमने जब इसको आगे से उठाया तो ये जो टाइम मैंने यहाँ पे फ्रेम रेट है ना ये बदल जाता है, जो इसमें 30 है तो यहाँ पे भी 30 है तो अभी सेम है, लेकिन जब मैं की उठाता तो यही वाला की आगे आ जाता है, इसलिए मैंने सिंक्रोनाइज किया, ठीक है, ये कर दिया मैंने। इससे क्या हुआ, जब हमारा करेक्टर इस तरह आगे आएगा थोड़ा सा पैनिंग करेगा। अब देखो कितना ज्यादा मूव हो रहा है, अगर मुझे लगता है कि वाओ काफी ज्यादा मूव हो गया इतना नहीं करना मुझे, तो गाइज आप उसको फिर से भी कंट्रोल कर सकते, जरूरी नहीं कि एक बार करना, क्योंकि 2D है यहाँ पे, कोई नंबर नहीं है कि मैं आपको नंबर बताऊं और इतना इतना ही करना है। मामूली सा करने के लिए आप फिर से अंदर जा सकते हो, फिर से उसको सेट कर सकते हो। अगर मुझे लगा कान ज्यादा हो चुका है तो फिर से जाके अंदर सेट कर सकते हो। फिर से मैंने इतना सेट कर दिया और फिर से ये 3 की उठा के इस तरह 3 की उठा के आगे लाना है, इतना ऑल्ट के साथ, ऑल्ट के साथ आगे लाना। और जब ऑल्ट के साथ आगे लाओगे तो ये पीछे से ना इस तरह डॉट 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 ये शेप बनाएगा, ट्विन बनाएगा, इसको रिमूव कर देना। अब देखो इस तरह ये मामूली सा इतना, देखो इतना, और अभी भी मुझे लग रहा है काफी ज्यादा है। तो मैंने क्या करना है, यहाँ पे आना, फिर से मैं इसको एक काम करता हूँ, ये यहाँ से ऊपर की ओर हुआ, ये ऊपर की ओर हुआ, सॉरी ये ऊपर की ओर हुआ, तो मैं इसको थोड़ा नीचे करता हूँ। ऐसा पहले मैंने ज्यादा नीचे कर दिया तो अभी ये नीचे की ओर हुआ। अब इसको थोड़ा सा कान को ऊपर करता हूँ, पहले कान पे ध्यान देता हूँ, तो ठीक है इतना ठीक है। अब मैं आप फेस पे ध्यान देता हूँ, ये यहाँ से ये नीचे की ओर आ, काफ़ी नीचे आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया इनको और मामूली सा करना ताकि अच्छा लगे, तो इसको मैंने थोड़ा सा ऊपर किया। अब देखूंगा मैं कितना हुआ, अभी बिल्कुल ही कम हो रहा है, तो मैंने यहाँ पे फिर से फेस पे सिलेक्ट किया और इसको मामूली से नीचे किया, तो अब देखूंगा कितना हुआ, अब इतना हुआ, ओके इतना ओके। तो इस तरह आपको ना खुद सेटिंग करना है, बार बार जाके अंदर सेटिंग करना है। तो आपको मैं ये ग्राफिक दूंगा तो आप मेरे जैसा मैं काम जहाँ पे की लगा रहा हूँ वैसे कर सकते हो। और बाकी यही कहूंगा बस यूट्यूब के लिए यूज मत करना गाइज, वरना आपके लिए दिक्कत आएगा, मेरे लिए कुछ भी नहीं है। इतना तो मैं स्मार्ट हूँ, मुझे पता है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आप बस इसके साथ कुछ छेड़ाछाड़ी करके अलग कर सकते हो, लेकिन पकड़ा नहीं जाना चाहिए, अगर पकड़ा गया तो कॉपीराइट आ सकता है गाइज, ठीक है। देखो कॉपीराइट आएगा तो आपको काफी गम होगा, बस यूट्यूब में अपना क्लाइंट के साथ शेयर मत करना, क्लाइंट के साथ शेयर करेगा तो वो आप पे तो तगड़ा सा केस भी कर सकता हो, क्योंकि उसने आपके लिए पैसा पे किया ना, तो इसके लिए ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि इंटरनेट में पता लग जाता है, एक टाइम की एक बार की बात है, जब मैं अपना स्टोरी अपने क्लाइंट के लिए कर रहा था तो काफ़ी पहले की बात है, तो किसी मतलब मेरे मैंने करेक्टर डिजाइन करना था तो किसी ने मुझे ऐसे ही चेप दिया किसी का फ्री पिक वाला करेक्टर, तो भाई पता लग जाता है भाई आज के टाइम पे इंटरनेट का जमाना है, पता लग जाता है फ्री पिक का करेक्टर आपने नहीं बनाया, तो इस तरह काम चलता नहीं, ठीक है। चलिए इसे छोड़ दीजिए और अब आते हैं अपने टॉपिक पे। तो टॉपिक ये, तो यहाँ पे किस तरह ये काम हुआ, तो इस तरह मैंने इस तरह काम किया। अब देखोगे फेस में थोड़ा सा फील आया, देखो थोड़ा सा फील आया, इसका कोई वैल्यू नहीं था इसलिए मैंने बार बार इसको सेट किया और प्रॉपर एक एनिमेशन कर दिया, तो इतना कर दिया। अब इसके बाद बोलता है ये कि मुझे 2 किलो घी देना, यहाँ पे बोलता है मुझे 2 किलो घी देना। तो गाइज यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे जाके 3 की लगा देता हूँ, एक की यहाँ लगा देता हूँ, एक की यहाँ लगा देता हूँ, पहले सुन लेता हूँ कहाँ पे 2 किलो की बोल रहा है, तो मैं भी यही बोल रहा है मुझे 2 किलो घी देना, 2 किलो घी देना, इसको बंद कर देता हूँ। और मैंने यहाँ पे 3 की लगा देना, राइट क्लिक करना है, क्लासिक ट्विन लगा देना, क्लासिक ट्विन लगाने के बाद 3 की मैं क्या करता हूँ, एक साथ इज आउट लगा देता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे आता हूँ, सबको सिलेक्ट करता हूँ, एक को इज इन कर देता हूँ और बीच में आता हूँ। बीच में आने के बाद मैंने सबको बॉडी को सिलेक्ट किया, अपर बॉडी को सिलेक्ट किया, देखने के लिए आप बार ड्रैग कर सकते हो, कंट्रोल जेड कर सकते हो वापस लाने के लिए, पॉइंट को यहाँ पे रखा और नीचे की ओर ड्रैग किया, नीचे की ओर रोक किया और यहाँ पे आया और इसको थोड़ा सा नीचे किया, और नीचे करने के बाद इसको थोड़ा सा बेंड किया और इसको मैंने यहाँ से थोड़ा सा नीचे की ओर रोटेट कर देना। रोटेट करने के बाद हाथ को भी थोड़ा सा मूव करना है, हाथ को मूव करने के लिए आपको दोनों को सिलेक्ट करना है, क्योंकि गाइस ये डब्बा भी है यहाँ पे, तो डब्बे को भी सिलेक्ट करना है। डब्बे को सिलेक्ट करने के बाद पॉइंट को आपने यहाँ रखना है, पॉइंट को रखने के बाद आप थोड़ा सा मूव करना है और इस हाथ को, अब ये 2 किलो बोला तो आगे की ओर हाथ करेगा, पीछे की ओर भी कर सकता है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, मुझे इसको थोड़ा सा आगे लाना है। अगर ये इसमें कुछ प्रॉब्लम रहता है तो आपको बाद में भी आप सेट कर सकते हो, अभी तो मैं मामूली सा करूंगा ताकि थोड़ा सा बस ये मूव करे। तो इस तरह मैंने नीचे किया, ये काफी नीचे हुआ, यहाँ पे देखोगे तो ये पहले नीचे हुआ इस तरह। अगर मुझे लगेगा कम हुआ है तो मैं अपर बॉडी को फिर से सिलेक्ट करूंगा, पॉइंट को फिर से यहाँ पे रखूंगा और ऑल्ट को दबा के रखूंगा और इसको मामूली से नीचे करूंगा, तो ये नीचे हुआ और इसके बाद ये आगे की ओर मैं इसको ला दूंगा और इसके बाद मैंने यहाँ पे
अपर बॉडी को पूरा सिलेक्ट किया, लास्ट पे आया मैं, यहाँ पे लास्ट की पे आया हूँ और इसको मैंने यहाँ पे, अब मैं पीछे की ओर भी कर सकता हूँ, आगे की ओर कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पे बॉक्स को घी के डब्बे को सिलेक्ट नहीं किया था, फिर से सिलेक्ट करता हूँ, पॉइंट को यहाँ रखता हूँ और इसको मैंने आगे की ओर किया, इस तरह आगे की ओर किया। आप इसको यहाँ पे थोड़ा सा मुँह ऊपर की ओर स्ट्रेच कर सकते हो, यहाँ से खींच सकते हो। मामूली से मैंने इसको ऊपर की ओर खींचा और यहाँ पे आया और इसको पॉइंट को ऊपर की ओर इस तरह रख दिया ऐसा, और ये हाथ को मैं ऊपर की ओर उठाता हूँ, यूँ ये हाथ को उठा दिया। तो अब कैसा एनिमेशन हुआ यहाँ पे, इस तरह ये ऊपर की ओर उठता है। अब मुझे पिछले वाला की याद रखना, बीच वाला की याद रखना, जब तीन लगा दो तो बीच वाला की याद रखना, 54 पे और लास्ट में आना है, और लास्ट में मुझे इसका ड्रॉइंग चेंज करना है। तो यहाँ पे आना है, सबसे पहले यहाँ पे की लगाना पीछे 54 पे जाके की लगाना, राइट क्लिक करना, क्लासिक ट्विन लगाना, क्लासिक ट्विन लगाने के बाद इज आउट कर देना, यहाँ पे आना है और हाथ को ऊपर लाना है, यूँ ये बोलते हैं मुझे 2 किलो घी देना है। यहाँ पे देखोगे ये इस तरह ऊपर की ओर हाथ लाना है, मुझे 2 किलो घी देना है। तो अभी मैंने कितना किया हाथ को, इतना किया, आप ऊपर और कर सकते हो। और मुझे हाथ को कहाँ बदलना है, यहाँ पे लगभग एक ही छोड़ के यहाँ पे, यानी कि 56 पे बदलना है। तो यहाँ पे आया, अंदर आया, यहाँ पे मैंने की लगा दिया, यहाँ पे भी मैं ट्विन लगा के रखता हूँ 54 पे और यहाँ पे, और बदलना मुझे 56 पे। मैंने बारी देख लिया तो यहाँ पे आया, क्यों बदलना है, क्योंकि इज आउट होता है, इज आउट में पहले स्पीड चलता है, स्पीड में चलता है तो स्पीड में ही हमें चेंज करना होता है। अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर होंगे तो आपको पता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आया 56 पे जाके मैंने F6 किया, F6 करने के बाद यहाँ पे आया, मैंने मुझे इसका ड्राइंग चेंज करना है, तो मैंने ऑलरेडी ड्राइंग बनाया, अगर आपने नहीं बनाया होगा तो आप बना देना ये ड्राइंग, ठीक है। तो ये कर दिया और मैं यहाँ पे कंट्रोल कर रहा हूँ, यहाँ पे सारा जितना मेरे अंदर ये ड्राइंग बना ना, सबको मैं बाहर से कंट्रोल कर रहा हूँ। तो मुझे उम्मीद है आप समझ रहे होंगे, जितना आप अंदर जाकर ड्राइंग करोगे उतना अच्छा क्वालिटी आएगा काम पे, ठीक है। तो ये कर दिया मैंने, अब मैंने जो ये वाला यहाँ पे ट्विन लगाया ना, ये क्यों लगाया, अब देखो मैं यहाँ से कंट्रोल कर सकता इसको, मुझे लगेगा मुझे ऐसा करना है, मुझे ऐसा करना है, इस तरह मैंने कर दिया। अब थोड़ा सा अगर टूट फूट गया तो थोड़ा सा ऐसा इसको ड्रैग कभी मूव भी कर सकते इस तरह, तो अभी मैं यहाँ से इसको कंट्रोल कर सकता, इस तरह बात कर रहा है। अभी यहाँ पे आया तो ये इस तरह हाथ बदलेगा, यहाँ पे देखोगे आप, अगर मुझे लगेगा कि अभी भी मेरे हाथ में कुछ कमी है तो मैं फिर से इसको सेट करूंगा। तो यहाँ पे बोला मुझे 2 किलो घी देना, देखो कितना सही आ गया ऐसा, मुझे 2 किलो घी देना। अभी बिल्कुल लग रहा है रोबोटिक नहीं लग रहा, प्रॉपर बॉडी मूव कर रही है। तो आपको मुझे ये हाथ को थोड़ा सा हिलाना है, क्योंकि जब बॉडी हिल रही है तो ये हाथ भी मूव करेगा। आप इसको थोड़ा सा सेट भी कर सकते हो इस तरह, यहाँ पे पीछे की ओर ला दिया ऐसा, थोड़ा सा पीछे की ओर ला दिया। अब आप देखोगे अपना एडमिशन कैसा हुआ, पीछे आओगे एक बार देखोगे एडमिशन ऐसा हुआ है। गाइज हमेशा की तरह बोलते हो, अगर आप नए सब्सक्राइबर हो तो बस ये पॉइंट को मत हिलाना, अगर आप इस पॉइंट को हिलाते हो तो एडमिशन बिगड़ जाता है। तो ऑलरेडी अगर किसी को दिक्कत आ रहा हो तो इसलिए आता है, क्योंकि आपको ये पॉइंट को कभी हिलाना नहीं होता है। अगर आपको लगता है मैं क्यों हिला रहा हूं, जब मैं 2 सिंबल को सिलेक्ट करता हूं, 2 सिंबल का पॉइंट जो क्रिएट होता है तो उसको हम कहीं भी मूव कर सकते हैं, लेकिन एक पर्सनल का हम मूव नहीं कर सकते, उससे हमारा एडमिशन बिगड़ जाएगा जब हम ट्विन में काम कर रहे होते हैं। उम्मीद है गाइस आपको पता लग रहा होगा, अगर नहीं पता लग रहा होगा कमेंट कीजिए, कमेंट में मैं जल्दी रिप्लाई करता हूं। वीडियो को पूरा देखिए ताकि वॉचिंग टाइम अच्छा है और मुझे मोटिवेशन मिले अगले वीडियो को बनाने के लिए, और चैनल ग्रो होने पर मुझे खुशी मिलती है और मुझे मोटिवेशन मिलता है। जाहिर सी बात है मुझे मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि मैं आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट लाता हूं और अच्छा एनिमेटर बनाने के लिए मैं आपको पूरा जोर दे रहा हूं कि एनिमेटर बनो, स्टोरी क्रिएट करो, खुद घर बैठे अपना चैनल क्रिएट करो। ऑलरेडी देखो मैंने कितना अच्छा चैनल यहाँ पे बनाया हूँ, कितना अच्छा, क्या मतलब आप स्टोरी देख लेना, अगर आपको स्टोरी देख के पता लग जाएगा कितना अच्छा यहाँ पे चैनल चल रहा। ऑलरेडी यहाँ पे पब्लिक काफी पसंद कर रही है कोई भी यहाँ पे, बस मैं आप ही को बताता हूँ कि इस तरह यहाँ पे चैनल, अदरवाइज मैं किसी को नहीं बताता हूँ ये चैनल के बारे में। सारा पब्लिक अपने आप आ रहा है यहाँ पे, देख लो कितना अच्छा फ्लो चल रहा है यहाँ पे, चिड़िया का घूंघट प्रथा ये कितना अच्छा 5K में चला गया। तो ऐसा क्रिएट कर सकते हो आप स्टोरी, स्टोरी कैसे क्रिएट होती है, सीधा जाइए चैनल पे, लर्न एनिमेशन चैनल एक ऐसा चैनल बन चुका है इंडिया में जहाँ पे आपको ऑलरेडी 2D एनिमेटर बनने के लिए इंस्टीट्यूट जाने की जरूरत नहीं है, लाखों रुपए देने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी आप सीख सकते हो। एपिसोडिक लेवल पर आएगा आगे जब अपना चैनल बड़ा होगा। देखो गाइस अभी चैनल काफी छोटा है, बड़ा होने में टाइम लगेगा, बस आपका सपोर्ट चाहिए, आपका प्यार चाहिए, तो इस तरह ये बड़ा भी हो जाएगा, ठीक है। तो बड़ा होने पे मैं सारा चीज यहाँ पे अवेलेबल करूंगा, चाहे वो 3D भी हो, ठीक है। मोटिवेशन मिलना चाहिए ना, कि लगना चाहिए ना पब्लिक अपने पास ही करती है, मतलब पब्लिक सुन रही है, ठीक है। ये इतना कर दिया, यहाँ पे इतना हो चुका है ऐसा। तो अभी क्या करना, हमने हाथ का काम हो चुका है, फेस का आते हैं, फेस के अंदर जाने के लिए हमें पिछला की याद रखना 56 और अगला की याद रखना 46 और अगला की 61 अंदर चला गया। बिल्कुल अंदर जाने पे आप वहीं पे पहुंचोगे जहाँ पे बाहर हो, यहाँ पे जाके 46 यहाँ पे 46 में की लगाया, 61 पे की लगा दिया। 61 पे की लगाने के बाद आपको पूरा सिलेक्ट करना है, हमेशा की तरह क्लासिक ट्विन देना, इज आउट देना, वही काम है, वही बोरिंग काम है, वही सेम काम है जो पहले करता था, इसलिए कहता हूँ बच्चा भी ये काम कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं इस काम का, बस प्रैक्टिस टेक्निक पता होना चाहिए, वो टेक्निक मैं आपको बता रहा हूँ, फ्री में बता रहा हूँ, मजे लीजिए, इंजॉय कीजिए, अपना स्टोरी क्रिएट कीजिए, अपना फ्यूचर बनाइए, अपना फैमिली के साथ बैठ के घर में जाके बैठ के जॉब कीजिए, ठीक है।
वैसे हर कोई नहीं कर सकता, बोलना इजी है लेकिन प्रैक्टिस करना मुश्किल है। कोई बात नहीं, इतना भी मुश्किल नहीं है। तो इतना कर दिया मैंने, बीच में कर दिया मैंने, अब आइज को मैंने बंद करना है। इतना करने के बाद आइज को बंद करना, मैंने यहाँ पे इसको नीचे की ओर किया और कान को ऊपर की ओर किया, और हम ज़्यादा मैं इसको नीचे कर सकता हूँ, ये तीन वाले पे इसको मैंने ज़्यादा नीचे किया, इतना नीचे किया और कान को थोड़ा सा ऊपर उठाया, और बीच में हमेशा मैं बंद करता हूँ। यहाँ पे मैंने रेफरेंस के लिए F6 लिया, और पीछे जो मैंने आई ब्लिंकिंग किया, ये वाला आई ब्लिंकिंग को मैं यहाँ से उठा के आगे लाता हूँ। यहाँ से उठा के आगे लाया, यहाँ पे देखूंगा कोई जर्क तो नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, कोई जर्क नहीं आ रहा है। अगर मुझे थोड़ा सा यहाँ पे एनिमेशन करना हो तो मैं एनिमेशन कर सकता हूँ, थोड़ा सा इसको नीचे की ओर लाता हूँ ऐसा, तो ये कैसा होगा एनिमेशन, इस तरह, और थोड़ा सा और लाता हूँ नीचे, इस तरह नीचे लाता हूँ, ये क्या हुआ, इस तरह, ये इस तरह एनिमेशन हुआ। यहाँ पे देखो आई बॉल पे कोई एनिमेशन नहीं है, यहाँ पे, यहाँ पे जो आई बॉल है अपना, ये आई बॉल पे कोई एनिमेशन नॉर्मल रखता हूँ मैं यहाँ पे। तो गाइज ये जो आई ब्लिंकिंग हुआ ये बिल्कुल मतलब दोनों की अलग अलग है, ये अलग है, ये अलग है, और जो मैंने आई ब्लिंकिंग सिखाया वो दोनों एक साथ है एक ही लेयर पे, क्योंकि एक लेयर पे कंट्रोल करना ईजी रहता है। तो जो भी मैं एनिमेशन बताता हूँ आपको, एक एनिमेटर की फ्यूचर में आपको किस तरह क्रिएट करना स्टोरी, उस पर बताता हूँ, ठीक है। इस तरह ये नीचे की ओर आया, वेट, यहाँ से बाहर की ओर निकल रहा है, तो थोड़ा मैं इसको अंदर की ओर करता हूँ। तो जो मैं आपको आई ब्लिंकिंग बताया हूँ वो बिल्कुल अच्छा वाला है, ताकि आप अपना स्टोरी में अच्छे से क्रिएट कर सको। ये दोनों अलग अलग है तो मुझे दोनों में अलग अलग जाके करना होगा, ऐसा भी हो सकता है, पर ऐसा ये वाला दिक्कत वाला ना, आपको हर बार अलग अलग जाना होगा, अलग अलग जाके उसको क्रिएट करना होगा, मतलब उसको लेना होगा, मतलब उसको सेट करना होगा। यहाँ पे चला गया रेफरेंस के तौर पे, मैं F6 किया यहाँ पे, और इसके बाद यहाँ पे जाके छोड़ दिया। अगर ये एक में होता ना तो मुझे एक ही बार करने की ज़रूरत थी, तो यहाँ पे आया और इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ, इसको नीचे की ओर किया और इसको थोड़ा इस तरफ कर दिया ऐसा, ठीक है, इतना कर दिया। अभी आप बाहर आओगे तो देखोगे इस तरह ये ऊपर की ओर इस तरह करता है, ठीक है, ये कर दिया। अब मैं यहाँ पे बाहर आता हूँ, बाहर आने पे देखो ये यहाँ पे क्या करता है, जैसे मैं यहाँ पे ध्यान देना, फेस पे ध्यान देना, खाली इस तरह ड्रैग कर, इस तरह मूव करता है, देखो, इसलिए मैंने इसको आइज को बंद किया नीचे और इस तरह ऊपर। उम्मीद है गाइस ये आपको पता लग रहा होगा, ये मैंने कर दिया। अब मैं पीछे आता हूँ, मुझे पीछे वाला एक्टिंग को फॉलो करना है, तो इस तरह ये ऐसा करता है, और इसके बाद ये अपना हाथ को वापस अपने अपनी जगह वापस लेता है। तो मैंने यहाँ पे किया, मुझे 2 किलो घी देना, और इसके बाद ये वापस करता है फेस को, हाथ को। अब देखो यहाँ पे भी आप ये जो मैं टेक्निक बताया ना स्लो वाली, ये आप यहाँ पे भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे आया और यहाँ पे जाने के बाद मैंने लगभग मैंने इतना कर दिया, ठीक है, इतना कर दिया। ये मैंने पहले नहीं बताया पर अभी बता रहा हूँ आपको, हर बार मैं नया कुछ बताता हूँ ताकि आपका जो एनिमेशन है क्वालिटी आ जाए। कुछ भी नहीं है गाइस, यहाँ पे कोई भी ड्राइंग नहीं बनाना पड़ रहा, एक बार आपका करेक्टर बन चुका है ना तो उसके बाद आप आराम से कर सकते हो। अपना कोई भी ग्राफिक डिजाइनर से करेक्टर बनाइए, फ्रीलांसर से करेक्टर बनाइए, और उसके बाद काम करना चालू कीजिए बिल्कुल, ठीक है। करेक्टर एक बार बनाइए, 10-12 करेक्टर बना के रखिए, फिर उसको दादी दादा जो भी बनाना है, हीरो बनाना है, विलन बनाना है, जो भी बनाना बना सकते हो, ठीक है। तो इस तरह मैंने, जैसे ये बच्चा अभी यहाँ पे ये है, बाद में स्कूल बॉय भी बन सकता है, कुछ भी बन सकता है। तो इस तरह क्रिएट कर लो एक बार करेक्टर, और इसके बाद मैं यहाँ पे इस तरह आया, थोड़ा सा मैंने थोड़ा सा मैंने इसको पीछे की ओर किया, मामूली से पीछे की ओर किया, और पीछे कर सकता हूँ। और यहाँ पे देखो जिस तरह ये बोलता है मुझे 2 किलो, ये ऐसा पीछे की ओर हो रहा है, ठीक है, मामूली से पीछे की ओर हो रहा है। इस हाथ के अंदर भी आप थोड़ा सा इसको मूव कर सकते हो, मैं हाथ को थोड़ा सा ये ऊपर की ओर मूव किया ऐसा, है ना। इसके बाद देखो ये ऐसा करेगा, मुझे 2 किलो घी देना ऐसा, ये पीछे की ओर भी मूव हो रहा है। अगर मुझे लगता है कि ज़्यादा मूव हो रहा है तो आप यहाँ पे जाना, क्योंकि थोड़ा सा मूव होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे पॉइंट को यहाँ पे रखा, और मैं यहाँ पे इसको नीचे को लाता हूँ, मामूली से इसको आगे की ओर करता हूँ। तो देखो ये यहाँ पे बोलता है मुझे 2 किलो घी चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, यही वाला किया मैं अंदर भी लगा सकता हूँ, फिलहाल के लिए मैं नहीं लगाता हूँ गाइस, इस पर नॉर्मली रखता हूँ इसको, ताकि हमारा ये टाइम थोड़ा सा कम हो जाए, क्योंकि ट्यूटोरियल काफ़ी लंबा हो जाता ना, तो इस तरह इतना भी काफ़ी है। तो इतना कर दिया, और इसके बाद हम फेस में वही वाला वो वाला फील ला सकते हैं जो हमने पहले यहाँ पे तीन वाले पे किया हूँ। तो मैंने यहाँ पे F6 किया, यहाँ पे F6 किया, और यहाँ पे जाके भी F6 किया, और यहाँ पे जाके भी F6 किया, और वेट 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 यहाँ पे जाके भी F6 किया, और यहाँ पे जाके सबको सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, क्लासिक ट्विन लिखा, यहाँ पे आया और सबको मैंने सेलेक्ट कर दिया। सेलेक्ट करने के बाद इसको मामूली से नीचे करना, मामूली से नीचे किया, और कान को भी मामूली से ऊपर किया, एक बार देख लेना, काफ़ी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और इतना होने के बाद इसको सबको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद आगे आया और एक आगे लाना, मामूली से एक वाला, मतलब कम से कम 3 रख लो, कम से कम 2 भी रख सकते हो। तो राइट क्लिक किया, सेलेक्ट फ्रेम कर लेना, क्योंकि सिंक्रोनाइज से प्रॉपर ही अपनी जगह पे आ जाएगा जो की है। तो इतना कर दिया, अब आप देखोगे जब भी पीछे की ओर मूव होगा थोड़ा सा ये भी फेस पे भी काम होगा इस तरह, और इसके बाद ये हाथ को अपनी जगह लाएगा। तो मैंने यहाँ पे की लगा दिया, और यहाँ पे की लगा दिया, और सीधा मैंने यहाँ पे क्लासिक ट्विन लगा दिया, क्लासिक ट्विन लगा दिया। क्लासिक ट्विन लगाने के बाद मैंने इज आउट कर दिया, इज आउट करने के बाद पिछला की याद रखना हमेशा 81 पे है। यहाँ पे आया, यहाँ पे आने के बाद मैंने सबको अपर बॉडी को सिलेक्ट किया, अपर बॉडी को सिलेक्ट करने के बाद मैंने पॉइंट को यहाँ पे रखा हूँ, और हाथ को पीछे की ओर किया हूँ, थोड़ा बॉडी को पीछे की ओर किया हूँ, और अब हेड को मैंने आगे की ओर बीच में ला दिया, और हाथ को मैंने अब नीचे की ओर लाना है। तो यहाँ पे रख लिया, पीछे कितने पे था, 81 पे था, 81 पे था ना। अब आगे आया और सबसे पहले मैं इसके अंदर चला गया, यहाँ पे मैंने F6 किया यहाँ पे, और पीछे मैंने 81 पे
81 पे एब्सिस करना है, क्लासिक ट्विल लगा देना, क्लासिक ट्विल लगाने के बाद इज आउट कर देना, इज आउट करने के बाद आपको हाथ को नीचे को लाना ऐसा, मैंने इतना कर दिया। और मुझे कहाँ बदलना है की हमेशा एक की छोड़ के यहाँ पे लगभग यहाँ पे मेरा है, तो यहाँ पे मुझे चेंज करना 83 पे, तो मेरा सबसे पहले मैं अंदर चले जाता हूँ, यहाँ पे मैं एब्सिस करता हूँ, पीछे में 81 पे ही की लगा देता हूँ, 83 पे मुझे ड्राइंग बदलना है, दो एक फ्रेम छोड़ के यहाँ पे आया और मुझे यहाँ पे अंदर जाने के बाद मुझे 83 पे की बदलना है, मुझे पता है 83 पे गया। और मुझे कौन सा ड्राइंग रखना है, मुझे नॉर्मल सा ड्राइंग रखना है, ये वाला ड्राइंग रखना है यहाँ पे, ये वाला ड्राइंग, ठीक है, ये वाला ड्राइंग मैंने लगा दिया। अगर मुझे यहाँ पे थोड़ा सा इसको मूव करना है तो यहाँ से मैं इसको मूव कर सकता हूँ और थोड़ा सा अंदर बाहर इसको सेट कर सकता हूँ, पर इसका पॉइंट को कभी मूव नहीं करूँगा यहाँ से। तो इतना सेट कर दिया, अब मैं बाहर आता हूँ, प्रॉपर मैं यहाँ पे आता हूँ, अगर मुझे लगता है कि यहाँ पे भी टूट फूट गया तो इसको थोड़ा सा सेट कर सकता हूँ, अगर रिग में कभी कई बार प्रॉब्लम आए तो, ठीक है, ये कर दिया तो ये हाथ इस तरह इजीली नीचे ला देगा और मुझे लगेगा हाथ काफ़ी बाहर है अभी, तो मैं इसको अपना नॉर्मल पीछे ला दूंगा ऐसा, और ये वाले हाथ पे काम करूंगा। इसके बाद दोनों को सिलेक्ट किया और क्यू प्रेस किया, तो क्यू प्रेस करने से ये वाला टूल आ जाता है और ये वाला टूल से फिर इस तरह आगे की ओर मामूली सा आगे की ओर किया, और इसके बाद आप देखोगे हाथ को किस तरह ये नॉर्मल अपनी जगह पे आ चुका है। तो देखो गाइस बिल्कुल ही प्यार वाला एनिमेशन हुआ, बिल्कुल स्मूथ वाला एनिमेशन हुआ, इस तरह इसने नीचे ला दिया, इतना सा काम हो गया। और इसके बाद हमें F5 कर देना, शिफ्ट F5 कर देना, तो अपना एनिमेशन हो चुका है। यहाँ पे देखोगे अपना एनिमेशन हो चुका है। अभी मैं यहाँ पे इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे कॉपी करने के बाद अगर मैं बाहर आता हूँ, यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, तो यहाँ पे देखोगे एनिमेशन यहाँ पे हो चुका है। यहाँ पे मैं इसको ऑन करता हूँ, मक्खीलाल चाचा मुझे 2 किलो घी देना, ठीक है, ये हो चुका है। अब आपको क्या करना है, अगर आपको कंपाइलिंग करना है तो आपको सबसे पहले क्या करना है, पूरे सेट को उठाना पड़ता है, पूरे सेट को, जैसे इसका क्लोज शॉट लगा, लॉन्ग शॉट लगा, तो मेरे पास ये सेट है पूरा, तो मुझे ये बीजी के साथ पूरे चीज को चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, एक बार मैं इनको सबको एक साथ उठाऊंगा, सारी चीज को एक साथ उठाऊंगा। आप देखो मैं ये सब आपके साथ शेयर नहीं करूंगा, ये मैं कंपाइलिंग की बात करूँगी, उसके बाद आप करेक्टर को कैसे यूज करोगे, इसको मैंने कॉपी कर दिया, सबको कॉपी करने के बाद आगे आता हूँ। काफी हैवी भी है, अगर बंद हो जाता है गाइस तो मैं नहीं सिखाऊंगा, अगर कभी बंद हो जाए, क्योंकि एक बार करप्ट भी होता ना, तो मैं अभी यहाँ पे पूरा मैं यहीं पे सिखा दूंगा, बाद टाइम लाइन पे सिखा देता हूँ पूरा एनिमेशन, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया इसको, पेस्ट करने के बाद नीचे वाला को मैंने प्रेस किया। ये सब आपके पास जो भी ग्राफिक बने रहेंगे ना, वो यहाँ पे आके आपको पेस्ट करना है, क्योंकि ये क्या होता है कि सारा बीजी आप पहले बनाओगे, सब कुछ आप पहले सेट करोगे, तो इस तरह मैंने इसको सेट कर दिया यहाँ पे। तो अब मुझे यहाँ पे इस तरह सेट कर देना, पहले मुझे हमेशा मास्टर शॉट बनाना है, मास्टर शॉट मेरा ये रहेगा यहाँ पे, और थोड़ा सा मामूली सा छोटा करूंगा ऐसा, और इस तरह मैंने यहाँ पे इस तरह सेट कर देना, और इसको मैं डिस्ट्रीब्यूट लेयर कर दूंगा, तो इस तरह मेरी यहाँ पे ये लेयर्स बन जाएगी, इतनी सारी लेयर बन जाएगी यहाँ पे। मैं सारा मैं यहाँ पे टाइम लाइन पे कर रहा हूँ, आप इसको नॉर्मली एक में भी कर सकते हैं, एक में मतलब मैं आपको फिर से यहाँ पे बता ही देता हूँ, यहाँ पे सबको मैंने एक सिंबल बना दिया, इससे क्या होता है कि आप अच्छे से बाद में कंट्रोल कर सकते हैं अपना पूरा एनिमेशन को, अगर इन फ्यूचर आपको कुछ प्रॉब्लम आती है, ठीक है। यहाँ पे देखो बीच में अटक गया था, क्योंकि ऐसा रहता है तो करप्ट भी हो जाता है, तो इसलिए मैं कह रहा था कि अगर बंद होगा तो उसके बाद मैं कंपाइलिंग नहीं बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल के लिए इतना हो चुका है, इसके बाद अंदर जाऊंगा तो यहाँ पे जाके इसको पेस्ट कर दूंगा पहले, और जो मेरा ये सारा एक यहाँ पे देखो ना सीन के अंदर आ चुका हूँ, तो सीन के अंदर आ चुका हूँ, यहाँ पे जाकर डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा सबको। ये सब आपको नहीं करना है, क्योंकि मैं ये सब आपके साथ शेयर नहीं करूंगा बीजी वगैरह, तो ये सब मैंने यहाँ पे बंद कर दिया, और ये देखो इतना हो चुका है। तो अब मैं क्या करूंगा, पहले मैं इसको सेट कर दूंगा, यहाँ पे मैं सेट कर दूंगा इसको, मैं मास्टर शॉट बना रहा हूँ पहले, तो इसको मैंने इस तरह सेट कर दिया, पहले यहाँ पे आया इस तरह, ये करेक्टर यहाँ पे खड़ा है, ये इतना बड़ा करेक्टर, आपको लगता है छोटा छोटा है तो कंट्रोल ऑल्ट एस कीजिए और इसको थोड़ा सा बड़ा कीजिए, इस तरह बड़ा कीजिए, यहाँ से ये बात कर रहा है, वो मक्कीलाल चाचा मुझे 2 किलो घी देना। इसका भी हमने एडमिशन किया है पहले से, इसका ऑलरेडी अलग से एडमिशन किया, फिर यहाँ पे लाया हुआ, इसका भी एडमिशन हुआ, फिर यहाँ पे लाया हूँ, ऐसा आपको पहले सिंबल में काम करना है। तो गाइज अब ऐसा कर दिया हमने, और ऐसा क्यों किया हमने कि पूरा एक लेयर पे डाल दिया, ये इसलिए डाल दिया कि हम पूरा एडमिशन को बाहर से कंट्रोल कर सकते हैं, बाद में कंट्रोल कर सकते, जो मैं हमेशा कहता हूँ स्टेज साइज को चेंज कर सकते हो अगर करना चाहो तो इन फ्यूचर, तो इसके लिए किया, तो ये बेटर तरीका है अगर आप करना चाहो तो ऐसा, वरना ये पूरा टाइम लाइन पे बाहरी सीन पे बाहरी कर सकते हो अगर करना चाहो तो। तो ये कर दिया, अब मुझे क्या करना, कैमरा एंगल सेट करना, ये मास्टर शॉट बना दिया ना, अब मुझे कैमरा एंगल सेट करना, मेरा कैमरा एंगल सेट कैसे करना, मैं पीछे के अकॉर्डिंग करूंगा। पहले यहाँ पे देखोगे मैं बाहर आता हूँ, यहाँ पे बाहर आता हूँ, तो यहाँ पे देखोगे पहले क्लोज शॉट लगाया इन्होंने, फिर इसके बाद इन्होंने नहीं, मेरा ही काम है सारा, क्योंकि सारा फाइल मेरे पास है, सॉरी, पहले इतना शॉट लगाया, उसके बाद क्लोज शॉट लगाया यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने क्या करना है, यहाँ पे पहले ये शॉट है थोड़ा, इसके बाद थोड़ा क्लोज लाता हूँ, पहले इससे भी क्लोज शॉट है, तो पहले मैं इस करेक्टर को थोड़ा सा आगे लाता हूँ, इसको मैंने यहाँ से हटा देता हूँ, पहले इसको मैं थोड़ा सा क्लोज लाता हूँ ऐसा, इतना क्लोज कर दिया, और इसके बाद इस शॉट को उसने क्लोज काफ़ी क्लोज किया मैंने, तो वे पुराना वर्क है मेरा, काफ़ी पुराना वर्क है, आज से 2-3 साल पुराना वर्क है, आप इस स्टोरी को यूट्यूब में भी देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा चला जिस क्लाइंट के साथ मैंने काम किया था, ठीक है। तो ये कर दिया, ये मैंने इतना क्लोज कर दिया, और थोड़ा बड़ा करता हूँ, और बड़ा करता हूँ, और बड़ा करने के बाद ये इतना सेट कर देता हूँ। अब देखो मैंने इतना सेट कर दिया, ये इतना हो चुका है ऐसा, ठीक है, ये इतना सेट हो चुका, अब ये बोल रहा है
इस तरह वो मक्खी लाल चाचा। आप इसको देखो लॉन्ग भी रख सकते हैं, जरूरी नहीं हमें उतना ही रखना है जितना उन्होंने मतलब जितना मैंने पिछले वाले काम किया पहले, ठीक है। तो आप इसको लॉन्ग भी रख सकते हो, लॉन्ग में और अच्छा रहेगा कि लॉन्ग में रख सकते हो पहले। तो मैंने इसको नॉर्मली इसको लॉन्ग ही रख लेता हूँ, तो फिलहाल मैंने इसको 90 कर दिया, वापस छोटा इससे थोड़ा छोटा हो जाएगा और इस तरह इसको सेट कर दिया। प्रॉपर पता लग जाएगा ना कि दुकान है कहाँ पर बैठा है, तो इस तरह मैंने सेट कर दिया। और अगला कैमरा एंगल में लगभग ये मेरा यहाँ पर बात करता है, और इसके बाद मैं अगला कैमरा एंगल यहाँ पर लगा देता हूँ, बीच में लगा दिया जहाँ पर ऑडियो चेंज करना है। यहाँ से ये बोलेगा वो मक्खी लाल चाचा 2 किलो घी देना, यहाँ से मैंने क्या करना है इसको यहाँ पे जाके बड़ा कर देना है। तो इसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे आना है और यहाँ पे मुझे इतना क्लोज ले जाना है। पहले क्या करना, आगे लेके रखना, पहले देखना यहाँ पे किस तरह रहेगा। अगर आप, ये मेरा पुराना वर्जन है, क्योंकि गाइस पुराना वर्जन में एक चीज़ है कि यहाँ पे थोड़ा हल्का फाइल बनता है, नया 2022 में काफ़ी हैवी बनता है, तो इसलिए मैंने जानबूझ के वो रखा नहीं, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ट्यूटोरियल बनाना पड़ता, बहुत डाटा हो जाता है, इसलिए मैंने 19 ही रखा है। 19 में क्या होता है, हल्का सा फाइल बनता है और जो मुझे चाहिए वैसा ही बनता है, ठीक है। तो मैंने इसलिए वो रखा है, क्योंकि छोटा बड़े से कुछ नहीं होता है, 22 भी यूज़ करोगे तो हैवी रहेगा, बाकी कोई नया कुछ है नहीं है उसमें। बाकी उन्होंने सिंबल बना के यहाँ पे कोई नई चीज़ दिया लूप के लिए, यहाँ पे नई चीज़ ऑन किया, बस ये किया, बाकी MP3 निकलता है, वहाँ पे MP4 निकल सकता है। तो इस तरह मैंने ये सेट कर दिया, यहाँ पे ये सेट कर दिया। यहाँ पे अब देखो ये कैसे, यहाँ से बोलेगा ओ मक्खी लाल चाचा, यहाँ पे ओ मक्खी लाल चाचा बोल के मुझे 2 किलो घी देना, ऐसा। तो इस तरह ये हो गया, और इसके बाद आप इसको थोड़ा सा मूव कर सकते हो, अगर मूव करना चाहते हो F6 कर लो, F6 करने के बाद यहाँ पे क्लासिक ट्विन लगा दो, क्लासिक ट्विन लगाने के बाद आप यहाँ पे सीधा इसको मूव कर सकते हो। थोड़ा सा मूव करना है तो मैंने 105 कर दिया, और 105 कर लेना, थोड़ा सा बड़ा हो गया और कैमरा इस तरफ चला गया, तो थोड़ा सा इसको बीच में लाके सेंटर में लाके इस तरह कैमरा सामने की तरफ आता है, ऐसा, ठीक है। तो उम्मीद है गाइस यहाँ पे आपको इस चीज़ समझ आ चुकी है किस तरह मैंने कंपाइल। ओ मक्खी लाल चाचा मुझे दो किलो घी देना। तो मुझे उम्मीद है आपको ये पूरा का पूरा ये एडमिशन समझ आ चुका होगा किस तरह मैंने ये पूरा एडमिशन किया। यहाँ पे मैं एक ही चीज़ आपको बोलूँगा कि आपको प्रैक्टिस करते रहना, बिना प्रैक्टिस से आपको कुछ भी नहीं आएगा गाइज, बिना प्रैक्टिस के आपको कोई एनिमेटर बना ही नहीं सकता आपको, प्रैक्टिस आपको करना ही करना है। यहाँ पे मैं आपको बताया कि यहाँ पे किस तरह मैंने करेक्टर एडमिशन किया और किस तरह मैंने फिर कंपाइल किया। उम्मीद है आपको इस ट्यूटोरियल से थोड़ा बहुत सीखने को मिला होगा, अगर सीखने को मिला होगा कमेंट कीजिए, जो भी यहाँ पे डाउट आता है वहाँ पे मेरे साथ शेयर कीजिए प्रॉब्लम को, मैं कोशिश करूँगा आपकी प्रॉब्लम को दूर करने का, ठीक है गाइज।